आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए गरम मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, वही गरम मसाला जो कि हम होटलों ढाबों में जो खाना खाते हैं तो वो खाना हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसमें जो गरम मसाला डलता है आज मैं आपके लिए उसी रियल गरम मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हम अपने घर पर तैयार करेंगे। जब भी हम मार्केट से पैकेट वाले गरम मसाले खरीद के लाते हैं तो वो दिखने में तो काफ़ी अच्छे होते हैं कलर में, पर उनमें वो स्वाद नहीं होता है। वो बिल्कुल बेरंग से रखते हैं हमारे खाने को और स्वाद को भी कम कर देते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ गरम मसाले की, जो कि होटलों और ढाबों रेस्टोरेंट पर यूज़ आती है खाना बनाने के लिए। वही वाला गरम मसाला आज हम तैयार करेंगे और इसकी खुशबू भी दूर दूर तक जाएगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक थाली रखी है, उसमें कई तरह के मसाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी मसाले गर्म मसाला बनाने के लिए काम में आते हैं। तो एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये कौन कौन से मसाले हैं और किस तरीके से हमें मसालों को लेना है कि जिससे हमारा एकदम रेस्टोरेंट ढाबे वाला गरम मसाला घर पर तैयार हो जाए। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया है। ये सभी खड़े गरम मसाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने सबसे पहले यहाँ पर मेरे चक्रफूल रखे हैं, ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, इसे पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चक्रफूल है, जब भी आप खड़ा मसाला लेकर आते होंगे तो उसमें एक स्टार जैसे फूल आते हैं। ये टूटे हुए हैं, मैंने इन्हें तोड़ लिया है ताकि पीसने में आसानी होगी, पर ये बिल्कुल स्टार जैसे दिखते हैं तो ये गरम मसाले में आते हैं, उन्हें चक्रफूल बोलते हैं। वो लिया है मैंने, ये चार पाँच चक्रफूल हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है, तो इतने ही मात्रा में आप इन्हें लें। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर, ये तो आप सभी जानते होंगे, तेजपान का पत्ता है जो बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, महक देता है और गरम मसाले की स्वाद को भी बढ़ाता है। उसके अलावा यहाँ पर काली मिर्च ले रखी है मैंने, काली मिर्च मैंने एक चम्मच ली है। उसके पास में ही यहाँ पर ये जो रख रखी है मैंने, ये दालचीनी है। दालचीनी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये गरम मसाले के साथ साथ चाय में भी डालने के काम में आती है और गरम मसाले का ही एक हिस्सा है। तो दालचीनी मैंने ली है, तीन चार लकड़ियाँ हैं दालचीनी की, ये मैंने ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, आप देख सकते हैं जीरा दो बड़े चम्मच मैंने लिया है। जीरा भी बहुत अच्छा होता है स्वाद के लिए और साथ ही हमारी सेहत के लिए, तो ये सभी गरम मसाले स्वाद को भी बढ़ाएंगे और सेहत को भी बहुत अच्छा रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच मेथी दाने लिए हैं, मेथी दाने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और स्वाद को भी बढ़ाते हैं। उसके पास में एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लौंग ली है, लौंग खाने के स्वाद को दुगना करती है, तीखापन देती है सब्जियों में और साथ ही ये हमारे गले को और पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, बीमारियों से भी दूर रखती है। लौंग का हम सेवन करते हैं तो यहाँ पर लौंग ली है। इसके पास में यहाँ पर मैंने खड़ा धनिया लिया है, खड़ा धनिया मैंने दो बड़े चम्मच लिया है। खड़ा धनिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और साथ में स्वाद को भी बढ़ाता है। इसके पास में जो आप देख सकते हैं ये झाड़ी नुमा, ये पत्थर फूल है, ये भी गरम मसाले में आते हैं। तो आप गरम मसाले में जब भी लेकर आएंगे आप खड़ा गरम मसाला मार्केट से, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, तो आप फिर पहचान सकते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। तो ये पत्थर फूल थे, इसके पास में ये जो दिख रहे हैं आपको, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जीरे के बीज हैं और ये भी गरम मसाले में आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जीरे के बीज हैं, जीरे जैसे ही दिखते हैं पर ये जीरे के बीज हैं और इनका जो कलर होता है भूरा होता है। तो जीरे के बीज मैंने लिए हैं, ये भी मैंने एक चम्मच लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर बीच में जो ले रखा है मैंने वो है सौंफ। तो यहाँ पर मैंने चार छोटी लाल मिर्च ली है जो कि गरम मसाले में रंग को भी बढ़ाती हैं और साथ ही गरम मसाले में स्वाद को भी बढ़ाती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलौंजी ली है, आधी छोटा चम्मच मैंने कलौंजी ली है और उसके बाद अजवाइन ली है मैंने, आधी छोटा चम्मच अजवाइन ली है। जो अजवाइन होती है वो हमारे पेट को तो दुरुस्त रखती है, साथ में स्वाद को भी बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं एक थाली में मैंने जितनी चीज़ें रखी थी और गरम मसाले के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी मैंने आपको बता दी है और आप सभी जान गए होंगे कि अब गरम मसाले में किन चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं। तो ये सभी सामग्री थी, तो आप सभी जान गए होंगे कि गरम मसाले में हम किन किन सामग्रियों को रखेंगे जिससे कि हमारा ढाबा रेस्टोरेंट वाला गरम मसाला तैयार होगा। तो चलिए अब गरम मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो सभी जो मसाले हैं हमारे उनको सबसे पहले हम हल्का सेक लेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम सभी मसालों को डालकर
सेक लेंगे हल्का, इससे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो सभी मसालों को मैं डाल लूँगी एक एक कर। तो यहाँ पर हमने सभी वो ज़रूरी गरम मसाले ले लिए हैं जो कि गरम मसाले के स्वाद को बढ़ाते हैं और खुशबू को बढ़ाते हैं, और जो नॉर्मली ढाबे और रेस्टोरेंट पे जब भी हम सब्जियाँ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम सोचते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा मसाला डला है जिससे कि इनका स्वाद इतना बढ़ गया है। तो वो सभी मसाले जो वो लोग यूज़ करते हैं वो सभी मसाले यहाँ पर हमने ले लिए हैं। तो ये सभी मसाले बहुत ज़्यादा स्वाद को बढ़ाते हैं सब्जियों के। तो इनको अच्छे तरीके से अब हम हल्का सा गरम कर लेंगे जिससे कि इनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी। जब हम अपना गरम मसाला पीसेंगे तो इनकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी हमारी सब्जियों में मिलेगी, मिक्स होगी। और इस तरीके से सभी गरम मसालों को हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे हल्का। गरम मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है, इसमें बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बताना चाहूँगी जो कि रेस्टोरेंट ढाबे होटल में जो भी हम गरम मसाला वो लोग यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो जो उनका स्वाद हमको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है वो, तो वहाँ पर जो गरम मसाले में वो चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो सीक्रेट टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। गरम मसाला हमारा सिक चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं एक चम्मच खाने का जो तेल होता है जो सब्जी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। इस तेल को ऐड करने से क्या होगा कि ये जो है गरम मसाले के स्वाद को बढ़ाएगा, साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छा रंग भी देगा ये हमारी सब्जी को। तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी और इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। गरम मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, अब इसे हम चला देंगे एक बार और उसके बाद ठंडा कर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो गरम मसाला मैंने थाली में निकाल लिया है और अब इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे गरम मसाले को मिक्सर में। तो अभी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, जो हमने एक चम्मच तेल डाला था उससे जो इसके सारे फ्लेवर हैं वो निकल कर बाहर आ गए हैं। बहुत ही अच्छी इसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है अभी। और यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी मैं आपको कि आप जो देख सकते हैं तेज़पत्ता है यहाँ पर, तेज़पत्ता हमने गरम मसाले में डाला है तो ये गरम मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, स्वाद को बढ़ाता है। साथ ही आप अगर इसे घर में जैसे कि हम मच्छर भगाने के लिए यूज़ करते हैं नीम के पत्ते या फिर कोई और धुआं करते हैं, उसी तरीके से आप तेज पत्ते को अगर जलाकर इसका धुआं घर में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे घर में वातावरण को बनाता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू घर में आती है जिससे कि घर में मक्खियाँ कीड़े मकोड़े तो दूर रहते ही, साथ में आपके घर के वातावरण को बहुत ही अच्छा कर देता है और नेगेटिव एनर्जी को भी घर से दूर रखता है। तो ये बहुत ही काम का है, आप इसे उपयोग में ला सकते हैं जो टिप मैंने आपको दी है उस तरीके से। गरम मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो यहाँ पर मिक्सी के जार में मैं सभी गरम मसालों को डाल लूँगी। और फिर इसमें डालकर हम इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी मसालों को हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी के जार में सभी मसालों को हमने डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो गरम मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है और अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। तो अभी गरम मसाले को मैं छान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की एक छानने के लिए छन्नी ली है, इसमें डालकर मैं गरम मसाले को छान लूँगी जिससे कि हमारा बहुत ही महीन गरम मसाला तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मोटा है और इस तरीके से हम इसे छान लेंगे तो बहुत अच्छा सा गरम मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये छानने के बाद कुछ इस तरीके का गरम मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हम सारे गरम मसाले को छान लेंगे और फिर दोबारा हम वापस से उसे एक बार और पीस कर और छान कर इस तरीके से पूरा गरम मसाला जो है हमारा तैयार हो जाएगा। बार बार हम उसे पीस लेंगे और छान लेंगे जब तक कि वो पूरा हमारा जो है गरम मसाला ख़त्म ना हो जाए। सारा गरम मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है बनकर, तो अब हम इसे एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर लेंगे, मतलब कि पूरा भरकर सेफ रख लेंगे जिससे कि इसकी खुशबू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और ये बिल्कुल भी सीलेगा या बारिश के मौसम में जो होता है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से एयर टाइट डब्बे में हम इसे भरकर रख लेंगे और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस गरम मसाले में। तो मैंने इस तरीके के एक डब्बा लिया है, आप देख सकते हैं एयर टाइट डब्बा है, इसमें मैं भर लूँगी। उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि इसकी खुशबू ने पूरे किचन को महका दिया है अभी, और जब ये सब्ज़ी में डलेगा तो इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। तो हमारा बहुत ही अच्छा गरम मसाला तैयार हो चुका है बनकर।
तो हमारा गरम मसाला बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और इस तरीके के एयर टाइट डब्बे में हमने उसे अच्छी तरीके से भरकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में आप अच्छे से अपने गरम मसाले को रख लें और जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो इसे यूज़ करें, तो ये आपके खाने के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा गरम मसाला तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा गरम मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इस तरीके से आप अपना ढाबा रेस्टोरेंट वाला सीक्रेट गरम मसाला घर पर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।